से तैयार हो चुकी हूँ और हम प्लान कर रहे हैं जाने का। वहाँ जान सीरियसली इतना मस्त बनाते हो, इसलिए तो फिर सब लोग उंगलियाँ चाट कर रहे थे। राइस क्या करी बनाया और ये रहा आपका फ्राई। तो दोस्तों ये है मेरा चिकन कबाब बोलो, चिकन फ्राई बोलो, जो भी बोलो, कितना मजेदार बनाया। वाह। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। नई दिन नई शुरुआत। कैसे हो दोस्तों? वेलकम बैक टू द जिंगाट फैमिली व्लॉग्स, टनाटन व्लॉग्स। ये क्या बोलते हैं टनाटन मैडम? पोहा बना रहे हैं। संडे की सुबह है और दिन भर से सोसाइटी में कुछ तो चालू है यार। तो दो चीज़, एक तो सोसाइटी में कुछ चालू है, उसका स्पीकर का आवाज़ आ रहा है, और दूसरा बॉम्ब बॉम्ब फोड़ना शुरू हो चुके हैं लोग। हाँ जान, दो दिन से ही हो चुके हैं, फ्राइडे सैटरडे से ही बहुत आ रहा है। देखो दिन भर से आवाज़ आ रहा है, मतलब अभी डे टाइम है और फोड़ रहे हैं। देखो छुट्टी हो गई ना, हाँ बच्चों की छुट्टी हो गई ना दिवाली की। हैप्पी दिवाली सीजन टू ऑल ऑफ यू। क्या बोलते हैं उनका, क्या बोलते हैं पोहे का तड़का? दोस्तों बहुत मस्त पोहा बनाती है यार। और आज खराब बन गया तो बहुत पिटूंगा पोहे को। वो कैसे खराब बन सकता है शोना के हाथ से? फिर चलो आज का कुछ प्लान है, देखते हैं वो प्लान फुलफिल हुआ तो अपन निकलेंगे बाहर। क्या बोलते हैं? हेलो, मम्मी का कॉल है। ओके, बात कर लो। मम्मी पापा का उसको रेगुलर कॉल आते रहता है चेकिंग करने के लिए। कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आपका जिंगाट फैमिली ब्लॉग्स पे। मैं तो आप लोगों से मिली ही नहीं, नहा धो के नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट किया, अब मस्त तैयार हो चुकी हूँ और हम प्लान कर रहे हैं जाने का। क्या है वो, मलाड स्टेशन मार्केट, बिकॉज थोड़ा नज़दीक है और हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा सा दिवाली वाइब ले लें और देखते हैं कुछ लायक की अगर चीज़ें मिल जाती है घर के लिए तो ऐसा कुछ उठा लेंगे। बाकी हमारा प्लान था दादर मार्केट विजिट करने का, बट देन यस अम्मू को 2 ही दिन छुट्टी मिलती है, पूरे हफ्ते भर वो काम करता है, तो उस 2 दिन में हाँ तो मैं सोता रह गया। हाँ तो हम सोता रह गया एंड ऑब्वियसली उसको भी थोड़ा सा स्पेस पर थोड़ा यार मार्केट घूमना चाहिए, फेस्टिवल वाइब लेना है तो इसलिए हम जा रहे हैं, क्योंकि वो लाइट्स देखेंगे, जब वो शॉप्स देखेंगे फटाखों की, वो दियों की, तभी तो दिवाली की वाइब आएगी और आप लोगों को भी मलाड मार्केट घुमा देंगे ना। हाँ ये बात भी है। दिए भी ये तो है घर में, क्योंकि एक बार तुमने ऑनलाइन मंगा लिया था, बट अगर हाँ कुछ अच्छा और कुछ अलग मिलेगा तो ऑफ कोर्स फिर ले ही लेंगे, है ना। दिए देखो ऊपर ही रखे ऑनलाइन मंगाए। हाँ बहुत सारे हैं ये। लाइट्स भी अपने पास लगी हुई है घर में। हाँ लाइट्स भी हमने लगाई थी, वो भी आप लोग देख लो, एक बार दिखा दो दोस्तों को। जी सब लोग वैसे यूजुअली दोस्तों बाहर लगाते हैं, लेकिन हमने अंदर लगाया बिकॉज हमको दिखना चाहिए कि दिवाली है, तो लाइट्स अपने को दिखना चाहिए, इसलिए बस हमने ये लगाया। और यहाँ पे भी हमने ये वाली छोटी छोटी सी लाइट्स लगाई है, एक बार सब बंद होगा ना तो मज़ेदार दिखेगा। ओ वाह देखो कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे भी। और ये भी देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, एकदम कलरफुल कलरफुल, है ना। और ये हमारा बाबू आया तो उसने खींच खींच के उसको नीचे कर दिया है, वो वापस से चिपकाना पड़ेगा। बाकी तो ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। लाइट क्यों चालू कर दी रे? चलो जाने का ना। चलो दोस्तों तो बस ये हमने छोटी मोटी दिवाली की तैयारी घर में ही कर ली है। बाकी तो आप लोगों को पता ही है, फरसान फुरसान तो बन ही रहे थे, है ना। तो अभी बाहर जाके थोड़ा सा देखते हैं, वाइब लेते हैं थोड़ा दिवाली वाला। आई नो हम लोग मार्केट के लिए निकले थे, लेकिन थोड़ा सा प्लान में चेंजेस है, आपको घर पे जाके बताते हैं। अभी फ़िलहाल ना हमने दूध लिया है, 40 रुपीज़ MRP यहाँ पे दिख रहा है आपको गोवर्धन लाइट का, लेकिन मिला हमको 37 रुपीज़ में। और यहाँ से हमने चिकन भी ले लिया, हाफ के जी लिया है ना। मैं आ चुकी हूँ घर, बिकॉज हम लोग मार्केट जाने वाले थे, लेकिन मार्केट हम लोग जा नहीं पाए। नीचे उतरे हम लोग एंड लिटरली मतलब आधे घंटे तक हम लोग रुके हुए थे, ना शेयरिंग ऑटो थी ना नॉर्मल ऑटो थी, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। हमने सोचा कि अभी वैसे भी लेट हो चुका है और हम लोग निकलेंगे तो एक तो बेमतलब का ना मीटर बिल बढ़ेगा अपना ऑटो में बैठे बैठे बिना वजह के, क्योंकि बहुत ट्रैफिक रहने वाला है और नटराज मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। और वैसे भी मतलब कुछ एकदम ऐसा इम्पोर्टेंट चीज़ हमको लेना नहीं था कि मतलब जाना ही है हमको मार्केट, तो वो हम कल प्लान कर लेंगे। लेकिन आज फिर अम्मू ने बोला कि छुट्टी भी है, तो मैंने थोड़ा सा ½ KG हमने चिकन लाया है, तो चिकन बनाएंगे थोड़ा सा। अम्मू को छुट्टी भी है तो मस्त छोटी मोटी पार्टी भी हो जाएगी हमारी। तो मैं आप लोगों को आज बताऊंगी कि कैसे मैं चिकन फ्राई करती हूँ और चिकन की ग्रेवी बनाती हूँ। तो ये दो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ, तो इनकेस अगर आपको अच्छी लगती है रेसिपी तो आप भी ट्राई कर सकते हो। तो बस यही सीन है, फटाफट कपड़े चेंज कर लेती हूँ और लग जाती हूँ किचन में अपना खाना बनाने की ड्यूटी पे। मेरा छोटा बाबू यहाँ पे है। छोटा बाबू क्या तल्ला है, क्या हुआ बाबू? ये भी दोस्तों बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि बाहर इतने सारे क्रैकर्स एंड ऑल दिस दैट चालू है। आज तो संडे बिल्डिंग में सब कार्यक्रम भी था, उसकी भी आवाज़ है, ये एकदम मचलते रहता है, कभी बाहर कभी अंदर, ऐसे ऐसे पकड़ाया रहता है। ऊपर से इतना चिल्लाता है सोते वक्त कि हमारी नींद भी ये खराब करता है। एग्जैक्ट सोने के टाइम पे इसका चालू हो जाता है कि दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना है। बहुत गर्मी होने लग गई यार इतनी सी देर में। मतलब हम लोग नीचे खड़े रहे इतनी देर तक ऑटो के लिए, आगे पीछे इधर उधर हुए कि ऑटो मिल जाए, बट नहीं। शेयरिंग वाले भी बोल रहे हैं कि कब से वो लोग खड़े हैं बट ऑटो ही नहीं आ रही है, क्योंकि वहां पे फंसी होगी ना स्टेशन के आसपास ऑटो, तो यहाँ पे कैसे ही आएगी, तो वो सीन था। ऑलराइट गाइस, इतनी ज्यादा गर्मी ना 2 मिनट के लिए घर से बाहर निकले, 2 मिनट नहीं एक्चुअली 1 घंटा हो गया बाहर निकले और एकदम हालत खराब। रिक्शा नहीं मिल रहे थे, देखा जाना रिक्शा स्टैंड पे लाइन लगी हुई थी शेयरिंग वालों के, और डायरेक्ट भी नहीं मिल रहे थे। हम लोग ने सोचा एक तो कैसा ये दिवाली के पहले का लास्ट वीकेंड है ना, तो बहुत लोग शॉपिंग वगैरह के लिए जाते हैं, इस वजह से नहीं मिल रहा था। लेकिन यही चक्कर में मेरा फायदा हो गया दोस्तों, फाइनली फेस्टिवल शुरू होने के पहले अपने को चिकन खाने मिलेगा मस्त मस्त सोना के हाथों का। चलो फिर बनाओ नहीं बता रहा मैं। और दोस्तों श्रुति ने बोला था कि D-Mart रेडी पे ना सस्ता मिलता है दूध, तो मैंने बोला था कितना सस्ता मिलेगा, तो एक्चुअली जो अपना नॉर्मल दूध अपन लेते हैं ना अमूल वगैरह वो नहीं है उनके पास, बट गोवर्धन का मिल्क है लाइट, हमने सबसे सस्ता वाला लिया है ट्राई करने के लिए, 37 रुपीज लीटर, तो वो लिया है हमने ट्राई करने के लिए, देखते हैं कैसा। अगर वो नहीं अच्छा लगा तो भी गोवर्धन का गोल्ड, मतलब गोल्ड वाला मिल्क 53 रुपीज लीटर है, तो गोवर्धन गोल्ड अपने को मिलेगा एटलीस्ट खाने को, है कि नहीं मस्त गाढ़ा गाढ़ा। तो पहले देखते हैं ये लाइट वाला कैसे है जान, एंड फिर ट्राई कर सकते हैं। पनीर भी बहुत सस्ता था, अरे 65 रुपीज में आबाद का पनीर, और आबाद का कोल्ड मिल्क 62 रुपीज, जो अपना आबाद जान अपना महाराष्ट्र नहीं है, ब्रांड है, गाँव वगैरह साइड जाओगे ना महाराष्ट्र में तो आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है आबाद मिलता है। तो अमूल तो और पूरे इंडिया में है, गुजरात की कंपनी है जो, तो 62 रुपये और 65 रुपीज़ में पनीर था 200 ग्राम। नॉर्मली अपन जो अमूल वगैरह का लेते हैं या वो अभी मिल्की मिस्ट वगैरह आया ये सब 110-120 रुपए का होता है, तो अच्छा था यार। और D-Mart रेडी अपने घर के पास है, तो अपन अब वहां से ले सकते हैं ना जान चीजें। तो यार नंदनी देख के चली जाती है, साउथ में नंदनी बिकता है ना, इसलिए सोना को नंदनी की याद आ रही है। एनीवेज अब भले 1 घंटे के लिए बाहर गए, बट मैं फिर से बात लेता हूँ और फिर मिलता हूँ। दोस्तों किचन में आ गई हूँ और आज किचन में ना एकदम मस्त सेटअप कर दिया है। यहाँ पे हमने रिंग लाइट लगाई है, इसलिए इतनी अच्छी रोशनी आ रही है, नहीं तो अभी तक जितने भी हमने यहाँ पे पकवान बनाए दिवाली के, उस समय दिमाग ही नहीं चला कि हम रिंग लाइट थोड़ा सा ढूंढ के लगाते हैं। ये रिंग लाइट हालांकि बहुत पुराना हो चुका है, तो थोड़ा सा टूट फूट गया है वो, बट स्टिल हम लोग चला रहे हैं। एक बार आपको दिखाऊंगी इसका हालत कैसा हो गया। चलो मैं आ चुकी हूँ चिकन बनाने के लिए। थोड़ा सा मैंने ये अलग कर लिया बोनलेस वाला पार्ट, क्योंकि अपन बनाएंगे चिकन फ्राई। यहाँ पे अगर आप देखो ग्रेवी के लिए, मतलब हल्का सा है उसमें, एक 5 पीसेस होंगे शायद। मुझे बताती हूँ फ्राई वैसे मैं कैसे बनाती हूँ। फ्राई ना वैसे पहले मैं, मतलब हम लोग अब तक जो खा रहे हैं ना वो अलग मसाले में खा रहे हैं, उसका भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। वो तो एकदम ही बेस्ट है, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे आप रेस्टोरेंट वाला चिकन फ्राई खा रहे हो। बट देन आज ना जब हम लोग चिकन ले रहे थे वहाँ पे ये एवरेस्ट का चिकन 65 का कबाब मसाला दिखा, तो कभी ट्राई किया नहीं एवरेस्ट का कबाब मसाला। चिंग्स का ट्राई किया है और आची का ट्राई किया है और भी 1-2 ट्राई किया है, बट ये एवरेस्ट का शायद कभी नहीं किया है, तो मैंने हमको बोला कि चलो आज यही वाला ट्राई करते हैं। और बाकी जो घरगुती मसाले हैं वो अपन यूज़ करेंगे। ये सुहाना का चिकन गरम मसाला भी दिखा था, सुहाना का तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा होता है, तो ये चिकन मसाला भी लाया है। आज ग्रेवी में अपन ये वाला मसाला यूज़ करेंगे। फोक से ना थोड़ा सा चिकन के पीसेस में होल डाल देने का, ताकि जब आप मसाले वगैरह लगाते हो तो अच्छी तरीके से मसाले आपके अंदर भी लगे। ये ऐसा कुछ ये नहीं है कि मैं आप लोगों को रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि कैसे बनाना है, इट्स जस्ट दैट कि ऐसे हम बना के खाते हैं, तो आप कैसे बना के खाते हो वो आप बताना। ऑब्वियसली आप अच्छा बनाते होंगे, इससे अच्छा वो शेयर करना, तो हम वो ट्राई करेंगे। हम तो कोई बढ़िया शेफ तो है नहीं। चिकन में अपन डाल रहे कबाब मसाला, थोड़ा सा रख देते हैं, ज़्यादा डालने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि इतना ज़्यादा चिकन है नहीं, 1.5 किलो चिकन ही है। हल्दी, ये लाल मिर्च, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाला अपन ने। अदरक लहसुन का पेस्ट अगर घर में है ना तो वही यूज़ करना, बहुत बढ़िया रहता है यार। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने पीस के रखा हुआ नहीं है तो इसके लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। और ये नमक स्वाद अनुसार। अभी मेरा गिरता गिरता बचता। अब दोस्तों इसको मस्त अपन मिक्स कर लेंगे। अभी फ़ोन गिरते गिरते बचा है दोस्तों। ट्राईपॉड की ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि अभी मैंने इसको लगाया डब्बे पे दोस्तों। ट्राईपॉड वैसे है दोस्तों लेकिन वो थोड़ा सा ना नीचे से उसका लेग टूट गया है, तो काफ़ी शिफ्टिंग में इधर उधर उसका मतलब हमने मम्मी पापा कर दिया था, तो इसकी वजह से उसकी हालत ख़राब हो गई है। मैं ऐसे कच्चा मसाला भी टेस्ट करके देख लेती हूँ क्योंकि फिर बनने के बाद मैं 4 बार सुनना पड़ा, इससे अच्छा पहले ही टेस्ट करके देख लो। नमक कम है, मिर्ची कम है, ये कम है, वो कम है। ये मेरा पति है अम्मू, वो सुनाता है मुझे 4 बार, सुनाता नहीं बस 4 बार सुनाता है। ये मस्त इस पे देखो मैरिनेट हो गया, इसको थोड़ी देर अपन रखते हैं, उसके बाद में इसको फ्राई करेंगे। एक दुख वाली कहानी दोस्तों ये है फ्राई करने पे, जब भी मुझे फ्राई करने जाती हूँ कोई भी आइटम मुझे याद आता है मेरा जो नॉन स्टिक वाला जितना भी आइटम था ना वो थोड़ा सा उसका जो रहता है ना नॉन स्टिक वो निकल गया था, तो अम्मू ने मेरे से सब फिकवा दिया वो सब, ये बोल के कि वो यूज़ नहीं करना चाहिए, उससे कैंसर होता है ये वो। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास नॉन स्टिक के लिए कुछ है नहीं तो मैं नॉर्मल जो हमारा कढ़ाई है उसी में मैं फ्राई करूँगी। मेरे ख्याल से मसाला निकल जाएगा बट देन इतना तो है कि टेस्ट बहुत मज़ेदार रहता है। हाँ ओके। अमू नहाने गया था ना, ऐसे ही आ जाता है बाहर। कुछ चाहिए शक्कर पारा दोस्तों, तो वही बस निकाल रही हूँ। कितना कम बनाया था यार, ऐसा लग रहा है खत्म हो गया। कम बनाना यही सबसे टेस्टी लग रहा है। ये मालूम है टेस्टी क्यों लग रहा है क्योंकि वो खस्ता है ना यार, ऐसे खस्ता है वो, मतलब ऐसा खस्ता होता है खस्ता, समझा तुम्हारा खस्ता। दोस्तों ऐसे अम्मू की कल भी छुट्टी थी और कल तो मम्मी का कॉल आ गया था शाम को, हम लोग बाहर निकल ही रहे थे वीडियो के लिए, मतलब कुछ काम था इसलिए। मार्केट ही एक्चुअली एक्सप्लोर करने हम लोग कल भी निकल रहे थे क्या? कल अपन हाँ कहीं जाने वाला, कहीं पे तो जाने वाला, मेरे को याद नहीं आया। फिर मम्मी का कॉल आया कि मौसी की बेटी की तबीयत खराब है, तो फिर हम लोग उसको देखने के लिए चले गए। फिर उसके बाद में जाने के पहले बाबू को वीडियो कॉल किया था, आशु के बेबी को, तो वो बाप रे इतना मचल रहा था मुँह को देख के, मेरे को देख के वो इतना मतलब लाड़ आ रहा था, रोने लग गया था वो। फिर हम लोग से देखा नहीं गया तो हम लोग सोचे कि चलो वहाँ से होके फिर आशु के घर चले गए। फिर आशु के बच्चे के साथ में बहुत देर खेले, वहाँ पे रुके और फिर हम लोग आ गए घर पे। ऐसे कुछ कल का सीन रह गया। और फिर आशु मैडम रात को कितने बजे 2 बजे कॉल की थी, 2 बजे हाँ 2 बजे कॉल की थी और मैं मस्त नींद में लग चुकी थी। मुझको कुछ काम था बस, हम वो थोड़ा सा काम निपटा के वो भी सोने वाला था बट मैं तो एकदम गहरी नींद में थी। और फिर मैंने कॉल उठाया, उसने बोला मैं अभी घर पे आ रही हूँ 2 बजे। मैंने उसको बोला 2 बजे तू पागल है कि घर पे आएगी। और ये लहसुन छिल के रखा था, इसको पता नहीं क्या हो गया एकदम से चिपक गए थे एक दूसरे को, तो मैंने वॉश करके वापस थोड़ा सुखाने के लिए उसको रखा है। और ये मैं भी खा रही हूँ फरसान, अम्मू भी खा रहा है। मैं ये बोल रही थी कि आशु को फिर हम लोग को मेरे को बोलना पड़ा कि भाई इतने रात को मत निकल घर से क्योंकि बीच में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो फिर वो एक वो, ऊपर से मैं खुद भी नींद में थी। तो फिर मैंने वापस से कॉल किया कि उसने ऐसे इतने रात को क्यों कॉल किया, चलो मैं एक बार वापस से बात कर लेती हूँ। तो वापस से मैंने उसको कॉल करके बात किया तो बोली बस ऐसे ही आना था कि अम्मू का भी काम रहेगा, तो उसका बेबी वैसे भी 4 बजे तक सोता है तो ऐसे ही आना चाहती हूँ। मैं बोली नहीं तू रुक, क्योंकि उसके पास वैसे भी ऑप्शन था कि मतलब एक बच्ची उसके पास हमेशा रहती है जो मतलब उसके साथ में ही रहती है, तो उसके साथ में वो आराम से सो सकती है। तो फालतू में इतना ट्रैवल करके इधर आएगी, कुछ बीच में हो गया, मैं नींद में हूँ तो वो सब मचा नहीं। तो सैटरडे नाइट है ना जहाँ सब रिक्शा वाले बेवड़े सब बहुत रहते हैं रोड पे, 2 बजे टेंशन होता है वही तो। अच्छा क्या मेरे को सुबह में रियलाइज़ हुआ एक्चुअली। चलो चाय पीते हैं और चिकन फ्राई करते हैं, देखते हैं एवरेस्ट वाला कैसा रहेगा। मतलब उसका स्मेल ऐसा अच्छा नॉर्मल ही लग रहा है, मतलब नॉर्मल ऐसा मसाला लग रहा है वो आची, आची जो हम लोग यूज करते हैं वो बहुत मस्त रहता है। वो है भी हमारे पास दोस्तों पर हमारी चर्बी, हमने बोला एवरेस्ट ट्राई करते थोड़ा अलग टेस्ट होगा। हर नई चीज ट्राई करनी चाहिए, तो वो हिसाब से मैंने बोला। मैंने तो टेस्टी कैसे बन गया यार, पता नहीं। चलो खाते ही है। पूरब झा का वीडियो आया है तो मजेदार, वो देख। इतना पढ़ा लिखा नहीं हो लेकिन 200 रुपए हमारे हिसाब से राजा एकदम सही, एकदम ठीक बात। अब देंगे पॉपकॉर्न तो आपको मिल जाएगा 600 रुपए। तो अपना ये चिकन मैरिनेट किया हुआ मैंने बाहर निकाल दिया, और यहाँ पे मैंने अपना ग्रेवी के लिए भी मसाला जो है रेडी कर लिया। मैंने ग्रेवी के मसाला कैसे रेडी किया, क्या किया, वो सब मैंने बताया नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ना एक चिकन ग्रेवी वाली रेसिपी शेयर की थी। मैंने ये मम्मी वाली रेसिपी है, तो वही थोड़ा सा मैं इधर उधर करके बनाती हूँ, थोड़ा बहुत मसाला ऐसे वैसे करके। इनकेस अगर आपको ग्रेवी देख के और ऐसा टेम्पटिंग फील हो और आपको लगे कि मतलब जाननी है रेसिपी वापस से, तो मुझे बताना, फिर मैं वापस से कभी बना दूंगी। अभी फिलहाल देख लो मस्त चिकन फ्राई कैसे करते हैं। अभी देखो ये वाले कढ़ाई में मैं सोचो फ्राई कर रही हूँ, तो चिटकेगा ही, बट ठीक है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। तो सामने मस्त दिवाली की लाइटिंग लगाई हुई है, कितना प्यारा लग रहा है ना। ऐसे सेम लाइट्स तो अपन ने अंदर लगाई हुई है घर में, बाहर अपन भी लगा सकते थे लेकिन जगह ही नहीं है बाहर निकल के इसे लगाने के लिए, लेकिन वो अंदर ना ज्यादा अच्छा लग रहा है। जब ऐसे कुछ मतलब मस्त बैठे आराम से ऐसे बाकी की लाइट्स बंद करके, तो घर में ना एक अलग अच्छी सी वाइब आती है। इनको लगाने दो बाहर। दोस्तों अपना चिकन मस्त फ्राई हो चुका है, देखो तो जरा, वीडियो बना रही हूँ इसलिए जान। मसाला निकला नहीं है वे है, मैरिनेट करके रखा है 15-20 मिनट, नहीं निकला। दूसरी बार चल रही हूँ दोस्तों, उसके बाद में इतना बस बचा है। मैंने अभी जस्ट YouTube पे धनतेरस की पूजा कैसे करती है उसका भी देख लिया दीदी, बिकॉज जरूरी नहीं है कि मतलब हर इंसान को हर पूजा विधि आती हो। तो नॉर्मली भी पूजा करते हैं तो चलता है, बट अगर अच्छे से पता हो क्या कैसे करना है। एंड आप लोगों को पता ही है कि हम लोग न्यूक्लियर फैमिली है, दोनों बस रहते हैं, 2 ही लोग हैं, कोई बताने वाला है नहीं अच्छे से कि कैसे पूजा करनी है क्या करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मम्मी से फ़ोन पे पूछ सकते हो, लेकिन वो सामने सामने जो बताई जाती है ना, उसमें वो बात अलग होती है। तो थैंक्स यार, यूट्यूब है, इस वजह से बहुत कुछ सीख लेते हैं हम लोग। मतलब रेसिपीज़ हो गई, पूजा पाठ हो गया, कुछ मतलब जानना है, कुछ नॉलेज चाहिए किसी भी चीज़ का, तो एकदम इजीली मिल जाता है। अच्छे फ्राई हो गए और दोस्तों ये देखो, और मसाले नहीं निकले हैं। मे बी ये जो अलग मसाला है ये इसमें अच्छे से चिटक गया, और मैंने थोड़ा मैरिनेशन के लिए 10-15 मिनट रख दिया था ना, इस वजह से शायद अच्छा बन गया। वैसे मैं ग्रेवी बना सकती हूँ, मेरी कढ़ाई ऑलरेडी यहाँ पे रेडी है, बट देन मैं सोचूँ इसका जो ऑयल बचेगा वो यूज़ करूँगी मैं ग्रेवी में, क्योंकि फिर चिकन फ्राई वाला ऑयल जो है ना वो वेस्ट हो जाता है। अभी शंकरपाली बनाया था उसका भी ऑयल पड़ा हुआ है, तो वो मैंने नहीं यूज़ किया चिकन के लिए, बिकॉज फिर वो मीठा हो जाता है चिकन। तो अभी कुछ मीठे वाला आइटम बनाऊंगी ना, तो वो ऑयल यूज़ करूँगी। मतलब ये ऐसा हो जाता है ना, वैसे तो सेकेंड टाइम यूज़ नहीं करना चाहिए ऑयल, बट अब क्या कर सकते, इतना ऑयल फेंकेंगे थोड़ी ना यार। आप लोग क्या करते हो ऐसे घर में बनाते हो कोई भी चीज़ तो ऑयल फेंक देते हो क्या, या यूज करते हो? मेरे को आइडिया दो जरा। भाग्यवान बना क्या, बन गया मेरा करी, देखो कितना यम्मी लग रहा है। वाह जान, सीरियसली मस्त है ना, इतना मस्त बनाते हो इसलिए तो फिर सब लोग उंगलियां चाटते रहते हैं। गाइस क्या करी बनाया, और ये रहा अपना फ्राई, और ये रहा अपना फ्राई। तुम खा के देखो कैसा है। एवरेस्ट का मसाला ना, अच्छा अच्छा, मैंने भी खाया दोस्तों, अच्छा लग रहा है। इसमें कैसे अजीनोमोटो वगैरह डालते हैं, थोड़ा और टेस्ट एनहांस, पर हम नहीं डालते, अच्छा नहीं है ना हेल्थ के लिए, इसके लिए हम लोग नहीं डालते। हम लोग अजीनोमोटो अवॉइड करते हैं। वाओ, सोचा अकेला अकेला चिकन खा रहा, तेरा भी है। तो दोस्तों ये है मेरा चिकन कबाब बोलो, चिकन फ्राई बोलो, जो भी बोलो, कितना मजेदार बनाया, वाह मजा आ गया, वेरी टेस्टी। और ग्रेवी देख के तो मन कर रहा है कब खाना खाएंगे। चलो ये थोड़ा सा खा लो, फिर चावल रखती हूँ, फिर ग्रेवी खाएंगे, है ना? ओके जी, म्याऊ भी है। इसमें चाट मसाला भर भराऊं? नहीं है, नहीं रहने दो, छोड़ो। हाँ हाँ देखना। चलो दोस्तों खाते हैं, मिलते हैं आपसे कल। सोना मिलेगी तो मिलेगी, बाय।